सस्या सुप्रभात सुस्वागतम आप सभी मित्रों का। मैं एसपी शुक्ला आपके अपने परिवार एसपी शुक्ला एजुकेट में स्वागत वंदन एवं अभिनंदन करता हूं। जैसा कि मित्रों आपको पता है एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार आपकी सेवा में प्रत्येक दिवस सुबह के 5 बजे सूर्य की पहली किरण के साथ आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस ऑफ द डे जीके जीएस यानी सामान्य अध्ययन से बनने वाले 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा करता है जिससे आपके आगामी किसी भी परीक्षा की नींव रखी जाएगी और किसी भी एग्जामिनेशंस में इससे रिलेटेड प्रश्न जरूर आपको मिलेंगे। और आपको बताना चाहूँगा अंत में आपसे पूछा जाता है एक ऐसा प्रश्न जिसका जवाब देना होता है आपको कमेंट के माध्यम से, जिसका जवाब देता हूँ मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में। तो आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, पूरा देखिएगा और उसके बाद लास्ट में पूछे गए प्रश्न का जवाब आप जरूर दीजिएगा। तो चलिए आज के शो को स्टार्ट करेंगे इससे पहले कि हमारे ऐसे दोस्त जिन्होंने अभी एसपी शुक्ला एजुकेट परिवार के फेसबुक पेज को लाइक नहीं किया तो फेसबुक पेज को भी लाइक करें, टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करें जहां से आपको नोटिफिकेशन और इसका पीडीएफ मिलता रहेगा। और ऐसे हमारे साथी जो अभी आज पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें और आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज के शो के साथ आज का पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर लाएंगे। थोड़ी सी चर्चा के साथ आज का प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। मित्र एक सेकेंड मैं स्क्रीन पर आए हुए प्रश्न पर चर्चा करूं, इससे पहले थोड़ी सी आपको बातें बताना चाहूँगा। हमारे यहाँ जो है सभी वैकेंसियों के लिए क्लासेस का अनाउंसमेंट कर दिया गया है, टेस्ट सीरीज भी स्टार्ट कर दिया गया है। तो ऐसे हमारे साथी जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहते हैं वो हमारे टेस्ट सीरीज को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर क्या करा है, एलोरा में गुफाएँ और शैलकृत मंदिर किससे संबंधित है। तो पहला प्रश्न तो यही आता है कि ये एलोरा आखिर है कहाँ, पहला प्रश्न तो यही आ गया कि एलोरा आखिर है कहाँ। तो एलोरा आपके पता होगा मेरे दोस्त, ये तो एक छोटा सा प्रश्न बनता है, महाराष्ट्र। कहाँ पर है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के कौन सी जगह पर? औरंगाबाद का नाम सुना होगा महाराष्ट्र के। मैं लिख देता हूँ, आप पॉइंट्स को पूरा का पूरा पॉइंट टू पॉइंट लिखते चलिए, गारंटी देता हूँ मेरे दोस्त आपका ये दैनिक शो आने वाले समय में आपके लिए आपके जीवन में जीवन दायिनी का काम करेगा। महाराष्ट्र के औरंगाबाद में स्थित एलोरा भारतीय पाषाण शिल्प स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। यहाँ से यहाँ अगर पूछा जाता है कुल कितनी गुफाएं हैं, कई बार पूछा है तो 34 गुफाएं हैं। इसमें हिंदू बौद्ध और जैन तीनों धर्मों के मंदिर बने हैं। किसके किसके? हिंदुओं के भी बने हैं, बौद्धों के भी बने हैं और जैनियों के भी मंदिर बने हैं। इनका निर्माण 5वीं से लेकर के 10वीं शताब्दी के बीच में हुआ। तो कभी कभी पूछा जाता है कब इसका निर्माण हुआ, 5वीं शताब्दी से लेकर के 10वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। यहाँ 12 बौद्ध गुफाएं हैं। तो आपसे पूछा जाता है कुल कितनी बौद्ध गुफाएं हैं, तो आप नोट कर लीजिए बौद्ध गुफाओं की जब बात आएगी तो 12 बौद्ध गुफाएं हैं। कितनी? 12 बौद्ध गुफाएं, गुफा संख्या 1 से 12 है। अब हम बात करेंगे इसी में हिंदू गुफाएं, तो हिंदुओं की जो गुफाएं हैं वो कितनी हैं? हिंदुओं की जो गुफाएं हैं कहा जाता है 17 हिंदू गुफाएं हैं जिसमें गुफा संख्या 13 से लेकर के 29 तक, यानी ये आपकी स्टार्टिंग होती है 13 से 29 और ये 12 का मतलब होता है 1 से 12, 1 से 12 हुआ। और इसी में आपका है जैन, जैनियों के कितने गुफाएं हैं भैया? 5 गुफा जैनियों के हैं, यानी गुफा संख्या अगर हम 29 यहाँ तक लिए हैं तो यहाँ हो जाएगा 30 से लेकर के 40 तक चलेंगे। 5 जैन गुफा यानी गुफा संख्या 30 से 40 बनाई गई है। वैसे 30 का मतलब होता है अगर 5 ही है तो 30 से लेकर के हम कहाँ तक चलेंगे, 30 31 32 33 34 होना चाहिए था
हाँ ठीक है, ये 34 कर लीजिए, इसको थोड़ा सा जो है इसमें मिसप्रिंट है, कुछ 34 कर लीजिए। अपनी स्मारक गुफाओं के लिए एलोरा यूनेस्को द्वारा घोषित एक विश्व धरोहर स्थल है। तो मेरे दोस्त आपको तो पता चल गया होगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, ऑप्शन डी हिंदू बौद्ध और जैन, बिल्कुल सही जवाब। जिन बच्चों ने दिया ऑप्शन डी, आप बिल्कुल एकदम परफेक्ट जवाब है आपका फ्रेंड्स। आइए आगे बढ़ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो बहुत ही अच्छे से आपको पता है, ये कई बार पूछा हुआ है, MPPCS में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप समझ गए होंगे कि ये मध्य प्रदेश में ही होगा। फिर भी हम चर्चा करते हैं, सांची मध्य प्रदेश के कौन से, मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है भैया? रायसेन को, जो भी हमारे MP से स्टूडेंट जुड़े होंगे उनको पता होगा, रायसेन जिले में स्थित है, जो 3री शताब्दी ईसा पूर्व से 12वीं शताब्दी के मध्य काल के हैं। सांची का मुख्य स्तूप मूलतः सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बनवाया था, शुंग काल में पुष्यमित्र ने इसको नष्ट कर दिया था। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, बनवाया किसने? बनवाया सम्राट अशोक ने, समझिएगा, बनवाया किसने? सम्राट अशोक ने। खत्म किसने कर दिया, यानी समाप्त कर दिया, किसने समाप्त किया? पुष्यमित्र ने, पुष्यमित्र। अब ये सम्राट अशोक कौन थे, सुपुष्यमित्र कौन थे, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ये थे शुंग वंश, शुंग काल में यानी शुंग वंश के शासक पुष्यमित्र थे। सम्राट अशोक को आप जानते ही हैं, इन्होंने यानी ये क्या किया, पुष्यमित्र ने खत्म कर दिया, इसका नाम मिटा दिया, और सम्राट अशोक ने इसको बनवाया था। और बाद में इसके पुत्र, यानी इसके पुत्र किसके, पुष्यमित्र थे, वैसे पुष्यमित्र के पुत्र, इनका नाम है भैया अग्निमित्र। क्या नाम है? अग्निमित्र ने इसे पुनर्निर्मित किया, यानी फिर से बना दिया, भैया बाप ने हटाया और बेटे ने बना दिया यह स्मारक। 1989 मतलब होता है नवासी, 1989 ईस्वी में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया। स्तूप एक गोल टीले के आकार की संरचना है, जिसका प्रयोग पवित्र बौद्ध अवशेषों को रखने के लिए किया गया या किया जाता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इसे किस वर्ष विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था, तो 1989 यानी 1989 ईस्वी में। आइए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड पर। क्वेश्चन नंबर थर्ड, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनवाया था? कोणार्क का सूर्य मंदिर, देखिए पूरी उड़ीसा राज्य में स्थित, कहां पर स्थित है पहले तो ये समझ जाइए, हमारे बहुत सारे लोग गए भी होंगे, दर्शनार्थी गए होंगे, पुरी का नाम आपने सुना होगा। पुरी ओडिशा राज्य में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण गंग वंश के शासक कौन भैया थे? गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम, ये आपको दिख रहा है ऑप्शन ए, नरसिंह देव वर्मन। ये कौन थे? गंग वंश के शासक थे, यानी एक पॉइंट तो यहां से आप एक प्रश्न यहां से निकालिए, गंग वंश के शासक नरसिंह देव वर्मन प्रथम चोड गंग ने करवाया था। कलिंग शैली में निर्मित इस सूर्य मंदिर को काला पैगोडा, जिसको हम ब्लैक पैगोडा कहते हैं, भी कहा जाता है। तो एक नाम इस मंदिर का और भी है, कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है, आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेरे दोस्त, तो इसको भी नोट कर लीजिए, ब्लैक पैगोडा। ब्लैक पैगोडा मीन्स होता है काला पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। यह मंदिर लाल बलुआ पत्थर एवं ग्रेनाइट से निर्मित है। इसे यूनेस्को द्वारा 1984 ईस्वी में विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। आइए बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। क्वेश्चन नंबर चार, संस्कृत भाषा का प्रथम व्याकरणकर्ता कौन थे? आपको पता है संस्कृत के जो अच्छे से विद्वान हैं, आपने पढ़ा भी होगा पाणिनि के बारे में, पाणिनि का नाम आ जाता है, आंख मून करके पाणिनि का नाम आता है। पाणिनि 500 ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणकर्ता थे। त्रिमुनियों में जब त्रिमुनि की नाम आती है तो वहां पर भी पाणिनि का नाम आता है।
त्रिमुनि कौन कौन से कहलाए मेरे ऐसे दोस्त जिन्होंने शिक्षक भर्ती परीक्षा दिया होगा या देने का प्रयास करेंगे, उनका ये प्रश्न है। सीटेट का प्रश्न है, यूपीटेट का प्रश्न है, रीट का प्रश्न है, एमपीटेट का प्रश्न है। आपको बताना है त्रिमुनियों के बारे में, बहुत ही विधिवत मैं इनके बारे में बताता हूँ। तो देखिए, पाणिनि 500 ईस्वी पूर्व संस्कृत भाषा के सर्वप्रथम व्याकरणकर्ता थे। इनकी प्रसिद्ध रचना जो है, जिसके कारण जो है इनको जाना जाता है, अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी का मतलब होता है आठ अध्यायों वाला। अष्टाध्यायी का मतलब होता है आठ अध्याय वाला। में 3978 सूत्र हैं। 3978 सूत्र का मतलब होता है कि लगभग 4000 यानी लगभग 4000 सूत्र हैं, जिनमें ध्वन्यात्मकता और व्याकरण के नियम हैं। दूसरी शताब्दी ईस्वी पूर्व में पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर, देखिए नाम आ रहा ना, अष्टाध्याय पाणिनि के बाद किसका नाम आया, पतंजलि का नाम आता है। पतंजलि ने अष्टाध्यायी पर महाभाष्य नामक टीका लिखी। महाभाष्य में अष्टाध्यायी को सर्ववेद परिषद शास्त्र कहा जाता है। और वार्तिक ग्रंथ लिखा, वार्तिक ग्रंथ किसने लिखा आपको पता है, वार्तिक लिखने के कारण वार्तिक कहलाए, वार्तिककार कहलाए, क्योंकि ये सूत्र लिखे हैं, पाणिनि ने सूत्रों की रचना की है, इसीलिए इनको सूत्रकार भी कहा जाता है। यानी इस क्वेश्चन का तो सही जवाब ऑप्शन डी हो गया, पाणिनि। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ पर। सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था, सोमपुर महाविहार का निर्माण किसने कराया था, तो बताना चाहूंगा पाल वंश के द्वितीय शासक। पहले आप क्वेश्चन समझिए, किस वंश के द्वितीय शासक थे ये भी पूछा जाता है। पाल वंश के द्वितीय शासक धर्मपाल, नाम से भी लग रहा है धर्मपाल जी नाम था, क्या था, धर्मपाल ने कौन सी सदी में, नौवीं शताब्दी में सोमपुर महाविहार का निर्माण कराया था। किसका निर्माण, सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया था। यानी इस क्वेश्चन का तो सही जवाब आपको मिल गया है ऑप्शन सी, धर्मपाल ने। यह बौद्ध विहार बांग्लादेश के नवगांव जिले के पहाड़पुर में स्थित है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कहाँ स्थित है, बांग्लादेश के किस जगह पर स्थित है भैया, बांग्लादेश के पहाड़पुर में स्थित है, इसीलिए इसे पहाड़पुर बौद्ध विहार के नाम से भी जाना जाता है। इसकी खोज कब हुई, तो 1879 में कनिंघम ने की थी। किसने किया था ये भी पूछा जाए आपसे, इसकी खोज किसने किया था, कनिंघम, सिंघम नहीं, कनिंघम बोल रहा हूँ, नहीं तो आप सिंघम समझ लीजिएगा, कनिंघम ने की थी। 1985 में इसे यूनेस्को ने विश्व विरासत स्थल घोषित किया। आपसे कई मर्तबे आपके भारतीय इतिहास की बात करें या विश्व के इतिहास की बात करें, प्राचीन इतिहास की बात करें या मध्यकालीन इतिहास की बात करें, तो डायरेक्टली आपसे कभी कभी पूछा जाता है क्वेश्चन, चाहे हम प्राचीन भारत की बात करें या मध्यकालीन भारत की बात करें, तो डायरेक्ट वहाँ से क्वेश्चन आपसे विश्व विरासत में किसको कब रखा गया, किस सन में रखा गया, तो ये पूछ लेता है, इसलिए ध्यान दीजिएगा। यानी इस क्वेश्चन का तो सही जवाब हुआ आप सी। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स पर। विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने की थी, वेरी गुड, बिल्कुल नाम आ रहा है, अभी अभी मैंने आपको बताया पढ़ाया वही पाल वंश के शासक के बारे में, तो बिल्कुल पाल शासक धर्मशाल, ये देखिए धर्मशाल नहीं धर्मपाल होना चाहिए था, धर्मपाल ही लिखा, ठीक है धर्मपाल। कब से कब भैया, 770 से लेकर के 810 ईस्वी ने बिहार राज्य के भागलपुर जिले में स्थित विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण करवाया था। क्वेश्चन पूछ रहा है कि विक्रमशिला नामक विश्वविद्यालय की स्थापना बंगाल के किस शासक ने कराया था, तो धर्मपाल ने कराया था। उसके रख रखाव के लिए 100 गांव दान दिए गए थे। विक्रमशिला में 6 महाविद्यालय थे, प्रत्येक महाविद्यालय में एक प्रवेश द्वार होता था तथा प्रत्येक प्रवेश द्वार पर एक द्वार पंडित बैठता था। आचार्यों में दीपंकर
किसका नाम आता है? आचार्यों में दीपंकर व श्री ज्ञान। श्री ज्ञान का मतलब ज्ञान, श्री का नाम सर्वाधिक उल्लेखनीय है। और इसी में 1203 ईस्वी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने विश्वविद्यालय को दुर्ग के भ्रम में ध्वस्त कर दिया। इसने भिक्षुओं की सामूहिक हत्या करवाई तथा ग्रंथों को जला दिया। उस समय विश्वविद्यालय के कुलपति शाक्य श्रीभद्र थे। बहुत डीप में अगर आप जाएंगे, यदि आप अधिकारी बनना चाहते हैं तो अधिकारियों की तरह जवाब सुना करिए, क्वेश्चन को पकड़ने का प्रयास किया करिए, वर्ड शब्दों पर विशेष ध्यान दिया करिए। मैंने क्या बताया आपसे, क्वेश्चन पूछा जाता है किस मुस्लिम आक्रमणकारी ने विश्वविद्यालय के दुर्ग को ध्वस्त करा दिया था, तो उसका भी नाम आप लिख लीजिए तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। मैं भी लिख देता हूँ, बख्तियार खिलजी ने क्या किया, ध्वस्त कर दिया। और उसके बाद पूछा जा सकता है कि उस समय उसके कुलपति कौन थे, तो उस समय उसके कुलपति का नाम है शाक्य श्री भद्र जी उस समय उसके कुलपति थे। ओके फ्रेंड्स, आइए क्वेश्चन नंबर 7। दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था। देखिए, दिल्ली सल्तनत के बारे में यदि हम पढ़ाएं, किसी दिन हम हिस्ट्री के अंतर्गत बहुत ही आराम से बताएंगे आपको। दिल्ली सल्तनत का अगर हम देखें तो मुख्यतः 5 तरीके से भेद किया जाता है, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। गुलाम वंश की अगर बात करें तो उसमें 11 शासक आते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक, आराम शाह, इल्तुतमिश, रुकनुद्दीन फिरोज शाह, रजिया सुल्तान, उसके बाद मुइजुद्दीन, बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह, नसरुद्दीन महमूद, गयासुद्दीन बलबद, और उसके बाद मोहद्दीन कैकुबाद, और लास्ट में क्यूमर शाह जाता है। इनके बारे में पढ़ेंगे। खिलजी वंश में 5 शासक का नाम आता है, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, शिहाबुद्दीन उमर, कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी, नसरुद्दीन खुसरो खां खिलजी। तो ये आपके खिलजी वंश में आएंगे। तुगलक वंश के अंतर्गत 9 शासकों का उल्लेख होता है, गयासुद्दीन तुगलक, मुहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक शाह 2, अबू बक्र शाह, मुहम्मद शाह 3, अलाउद्दीन सिकंदर शाह 1। इसी में आप देखेंगे 2 स्वतंत्र शासक का नाम आएगा, नसरुद्दीन महमूद शाह, नुसरत शाह, जो कि नसरुद्दीन मोहम्मद शाह दिल्ली के थे और नुसरत शाह जो थे फिरोजाबाद के थे। सैयद वंश में 4 शासकों का उल्लेख होगा, खिज्र खां, मुबारक खां, मोहम्मद शाह, अलाउद्दीन आलम। लोदी वंश में 3 शासकों का नाम आता है, बहलोल लोदी, सिकंदर लोदी, इब्राहिम लोदी। इनके बारे में हम अच्छे से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट को हम पढ़ेंगे, कहां जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, इसीलिए आप ज्वाइन करिए। आप जो है हमारे यहाँ, मैंने बताया ना कि बहुत अच्छे अच्छे तरीके से बैच चलते हैं, प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करिए, सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस बैच भी चल रहा है मामूली शुल्क में, आप घर बैठे अपनी तैयारी को बहुत अच्छी कर सकते हैं। आप PCS और IAS जैसे बहुत ही बड़े एग्जामिनेशन को बहुत छोटा कर सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए, जवाब दीजिए, दिल्ली का प्रथम वैधानिक सुल्तान कौन था? वैधानिक सुल्तान की बात आपसे पूछा जा रहा है, तो बिल्कुल इल्तुतमिश का नाम आता है, आपको पता है, मैं इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा भी करूंगा। फरवरी 1229 तारीख याद होना चाहिए, फरवरी 1229 में बगदाद के खिलाफ से इल्तुतमिश को प्रमाण पत्र का मतलब होता है, उर्दू में इसको कहते हैं इल्हत। क्या मिला? प्रमाण पत्र को क्या कहते हैं? इल्हत प्राप्त हुआ। हमारी मुस्लिम साथी लोगों को पता होगा, इल्हत प्राप्त हुआ। खलीफा ने इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान कर दी, उसके द्वारा विजित प्रदेशों को उसके शासक घोषित कर दिया गया। इल्तुतमिश का जो शासन काल था वो था 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक, 1210 से लेकर के 1236 ईस्वी तक। देखिए कुछ पॉइंट जो और निकल के आते हैं,
दिल्ली सल्तनत के बारे में मैं आपसे बताया ना कि बहुत अच्छे से चर्चा करूंगा। टोटल पांच भाग किए जाते हैं, पांचों पे मैंने चर्चा किया, आपको थोड़ा थोड़ा बताऊंगा आपको। अब इल्तुतमिश का नाम आया तो इल्तुतमिश जो था फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक, तो इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक है। इसका जो शासन काल है वो 1210 से 1236 ईस्वी तक है। इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के स्थायित्व के लिए अनेक कार्य किए, जैसे मैं बात करूं तुर्कान ए चहलगानी का गठन, विरोधियों का दमन, नवीन प्रकार के सिक्कों का प्रारंभ। इल्तुतमिश ने सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की, इच्छा मैं लिख देता हूं क्योंकि पूछ लिया जाता है, अच्छा प्रश्न है। सुल्तान ए आजम, सुल्तान ए आजम की उपाधि धारण की, वह दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक बना। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है दिल्ली को राजधानी बनाने वाला, दिल्ली को कैपिटल बनाने वाला प्रथम शासक कौन था, तो उसका नाम है इल्तुतमिश। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, आज का 8वां प्रश्न। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने के किसका हाथ था? सत्याच्युत, रजिया बेगम को सत्याच्युत करने में होना चाहिए था वैसे, सत्याच्युत करने में किसका हाथ था? बिल्कुल आपको पता होना चाहिए, रजिया सुल्तान का नाम आप सभी जानते हैं। रजिया सुल्तान, तो पहले ये समझ जाइए कि एक मुस्लिम शासिका थी। क्या थी? मुस्लिम शासिका थी, जो तुर्कों की सहायता से 1236 ईस्वी में कहां पर बैठी थी? दिल्ली की गद्दी पर बैठी। अच्छा, 1236 से पहले कौन सुल्तान रहा, वहां का शासक रहा है, तो हमने आपको बता दिया इल्तुतमिश। यानी अब 1236 में दिल्ली की गद्दी पर कौन बैठ गया? रजिया बेगम बैठ गई, यानी रजिया सुल्तान बैठ गई, दिल्ली की गद्दी पर बैठी। उसने दरबार में तुर्कों का वर्चस्व समाप्त करते हुए गैर तुर्कों को भी सामंत नियुक्त किया। अब देखो, यही गलती किया इसने, क्या किया कि एक मुस्लिम थी, लेकिन इसने क्या किया, केवल मुसलमानों के ही बारे में नहीं सोचा और लोगों के बारे में भी सोचा। और जिंदगी में आप समझे, जो अच्छा काम करने का प्रयास करता है उसका लोग विरोध करते ही करते हैं, और इसका भी क्या हुआ, विरोध हुआ, जिससे अमीर तुर्कों ने अल्तुनिया के नेतृत्व में, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है किसके नेतृत्व में, अल्तुनिया के नेतृत्व में रजिया के विरोध विद्रोह कर दिया, और अंततः उसे सत्ता से हटा दिया गया। और आपको बताना चाहूंगा 13 अक्टूबर 1240 ईस्वी में कैथल के पास, कहां पर भैया, कैथल के पास रजिया की हत्या कर दी गई। कहाँ कर दी गई? रजिया की हत्या कर दी गई, यानी इसी के विरोध में रजिया सुल्तान को तुर्कों ने ही, यानी मुसलमानों ने ही मार डाला। यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब आपका ऑप्शन सी होगा मेरे दोस्त। अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, कई सारे तरीके से पूछा गया प्रश्न है, भारतीय संविधान में भी ये प्रश्न आपसे कई बार कुछ अंश बना करके पूछा जाता है। आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्नलिखित को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। तुगलक वंश लोदी सैयद इल्बरी तुर्क खिलजी, अभी हमने आपको इसके बारे में बताया कि कौन सा कार्यकाल कैसे था, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो वही चीजें क्या किया, सैयद व लोदी वंश को इसने जो है अलग अलग तरीके से दिया है। तो सैयद व लोदी वंश में आपको बताना चाहूंगा, पहले इल्बरी तुर्क गुलाम वंश आता है। कौन सा वंश आता है मेरे दोस्त? इल्बरी वंश। देखिए थोड़ा सा मैं इसको हटाता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ। देखिए सबसे पहले इल्बरी तुर्क, ये जो आपको दिख रहा है ऑप्शन 4, इल्बरी तुर्क यानी जिसको कहते हैं गुलाम वंश, इसका जो शासन काल था 1206 से लेकर के 1290 ईस्वी था, 1290 ईस्वी, यानी सबसे पहले 4 होना चाहिए, चौथा ऑप्शन यहाँ पर ए में 4 इसी में दिख रहा है। अच्छा, यानी आपको 4 में तो यही दिख रहा है, यानी आप तो समझ गए कि इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन डी ही होगा, लेकिन फिर भी चर्चा करेंगे। फिर दूसरा आता है आपका खिलजी वंश। खिलजी वंश कहाँ है?
ये है पांच नंबर में। और इस खिलजी वंश का जो समय कार्यकाल था वो 1290 से स्टार्ट होकर के 1320 ईस्वी था। 1320 ईस्वी खिलजी वंश के बाद बात आती है तुगलक वंश की। तुगलक वंश ये है आपका पहला, यानी चार पांच फिर एक, यानी ये तुगलक वंश का कार्यकाल 1320 से लेकर के 1414 ईस्वी का कार्यकाल जो रहा वो तुगलक वंश का रहा। फिर आता है आपका सैयद वंश का जो कार्यकाल है 1414 से लेकर के 1451 ईस्वी। फिर आपका है लोदी वंश, इसका कार्यकाल 1451 से लेकर के 1526 ईस्वी रहा। यानी 4, 5, 1, 3, 2, यानी इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया आपका ऑप्शन डी। अब एक प्रश्न, अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि लोदी वंश का संस्थापक या लोदी वंश किसके द्वारा स्थापित किया गया था। तो मित्र आपको बताना चाहूंगा, बहलोल लोदी का नाम आपने सुना है, आपसे लोदी वंश का संस्थापक पूछे तो बहलोल लोदी ने अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्त कर लोदी वंश की स्थापना की थी। इसीलिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो इब्राहिम लोदी। कौन लोदी? इब्राहिम लोदी। देखिए इब्राहिम लोदी और बहलोल लोदी में अंतर है, नहीं तो आप क्वेश्चन को कंफ्यूज हो जाइएगा। कंफ्यूज मत होइएगा, दो तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। बहलोल लोदी ने अंतिम सैयद शासक अलाउद्दीन आलम शाह को अपदस्त कर लोदी वंश की स्थापना की। इस वंश का शासनकाल 1451 से 1526 ईस्वी तक था। बहलोल लोदी अफगानों की एक महत्वपूर्ण शाखा शाहूल खेल से संबंधित था। वह कभी सिंहासन पर नहीं बैठता था, एक उसकी सबसे बड़ी खासियत थी। यही पूछा जाता है कि लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था, तो लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। बाबर ने 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को पानीपत के प्रथम युद्ध में पराजित किया, मुगल साम्राज्य की नींव रखी। इब्राहिम लोदी युद्ध स्थल पर मारा जाने वाला दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम सुल्तान था। यह भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, प्रथम व अंतिम सुल्तान कौन था जो दिल्ली सल्तनत के युद्ध स्थल में मारा गया था। तो दिल्ली सल्तनत का प्रथम और अंतिम मुगल शासक जो था, अंतिम सुल्तान जो था, वो था इब्राहिम लोदी जो मारा गया था। आइए आज के अंतिम प्रश्न पर चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान के खंडहर विजयनगर प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं? वेरी गुड, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हम्पी का नाम आपने सुना होगा। हम्पी मध्यकालीन हिंदू राज्य विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। इसके खंडहर वर्तमान में बेल्लारी जिला है। कहाँ? पूर्वी कर्नाटक में स्थित है, तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित यह नगर अब हम्पी नाम से जाना जाता है और अब केवल खंडहरों के रूप में ही अवशेष है। यह नगर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल किया गया है। हम्पी में कृष्ण देव राय के शासनकाल में निर्मित हजारा राम मंदिर वास्तुकला का उत्कृष्ट उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का तो सही जवाब हुआ ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं कल का प्रश्न, यानी जो हम आपसे हर बार पूछते हैं लास्ट टाइम और जिसका जवाब देते हैं आपको उसी पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तो उस प्रश्न के साथ आपके सामने हो चुके हैं रूबरू। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया था, मोस्टली बच्चे जवाब नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते भगवान जाने, वो अधिकारी बनना नहीं चाहते या उनको आता जाता कुछ नहीं, भगवान जाने। आइए हम तो चर्चा करते हैं, हम अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हैं। क्वेश्चन है, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? वेरी गुड, बहुत सारे अच्छे बच्चों ने जवाब भी दिया था और बहुत अच्छे से जवाब भी आया था, उसके लिए बधाई हो जिन बच्चों ने जवाब दिया था। हुसैन शाह, जौनपुर शहर की स्थापना जो हुई थी वो हुई थी 15वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक। देखिए कुछ बच्चे इसीलिए कंफ्यूजन में थे, फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाता है, फिरोज शाह तुगलक ने किया किसके याद में? अपने चचेरा भाई कौन था? सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक
तुगलक की स्मृति में किया था, तो आपसे दो तरीके से। लेकिन आप बच्चे जो है फिरोज शाह तुगलक कई सारे बच्चे जवाब दिए थे, जो कि आपको ऑप्शन में कहीं फिरोज शाह तुगलक दिया ही नहीं था। आप पता नहीं किस प्रकार के, किस प्रवृत्ति के हैं, आप क्या देखते हैं, आप ऑप्शन नहीं देखा, आपने पूछा क्या है क्वेश्चन, जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था, और आपने जवाब क्या दिया था कि जौनपुर शहर की स्थापना किसने की थी। कमेंट कर दिया लेकिन आपको आंसर में ऑप्शन में दिया ही नहीं था। मेरे मित्र जरा गौर करिएगा, 15वीं शताब्दी के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक ने अपने चचेरे भाई सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में किया था। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम कभी कभी पूछा जाता है, तो इसका वास्तविक नाम था जौना खां था। 1394 ईस्वी में 1394 मलिक सरवर ने जौनपुर में स्वतंत्र सरकी राज्य की स्थापना की थी। सरकी शासकों, सरकी कह रहा हूं मित्र, सरकी सरकी शासकों में लगभग 85 वर्षों तक स्वतंत्रता पूर्वक शासन किया, किंतु 1479 ईस्वी में बहलोल लोदी ने इसके अंतिम शासक हुसैन शाह तुर्की को पराजित कर जौनपुर को पुनः दिल्ली सल्तनत का अंग बना लिया। जौनपुर को पूर्व भारत का सिराज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पूर्व भारत का सिराज कहा जाता है, या कहा जाता था, अब ये हम कह सकते हैं कि कहा जाता था। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? हुसैन शाह। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता था कि जौनपुर राज्य का अंतिम शासक हुसैन शाह को किसने पराजित किया था? बहलोल लोदी ने। बहलोल लोदी कहाँ का था? वो दिल्ली सल्तनत का एक सम्राट था, यानी दिल्ली सल्तनत का एक जो है मसीहा था, एक तरीके से कह लें। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे आज के प्रश्न, कल का प्रश्न का जवाब दिया। आज का प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ला चुका हूं। इस क्वेश्चन का जवाब मेरे दोस्त आपको देना है कमेंट के माध्यम से। किसके माध्यम से? कमेंट के माध्यम से देना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा प्रश्न है। 1527 ईस्वी में, 1526 ईस्वी में, 1525 ईस्वी में, 1524 ईस्वी में। हम आशा करते हैं कि आज का शो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। कैसे रहा आज का शो, कमेंट करके दो वाक्य जरूर लिखिएगा। इस मेहनत पर अगर आपको थोड़ी बहुत भी लगता है कि हाँ हम अच्छा कार्य कर रहे हैं, कार्य अच्छा हो रहा है, या आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है, आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा, तो वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा चाहने वालों तक शेयर करिए। चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। कंप्लीट PDF फाइल पाने के लिए आप हमारे SP शुक्ला एजुकेट के टेलीग्राम ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन करिए। ओके फ्रेंड्स, अपना ख्याल रखिए और अपने चाहने वालों का ख्याल रखिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर ऑल ऑफ यू।